हेलो गाइस, माय नेम इज़ अरसलान। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पाइथन की हेल्प से नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है स्नेक वाटर गन गेम। सो गाइस, अगर आप पाइथन लवर हो और आप जानना चाहते हो कि ये कैसे प्रोजेक्ट बना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ओवरव्यू ये वाला प्रोजेक्ट कैसे वर्क करेगा और हम बनाएंगे ये प्रोजेक्ट। सो गाइस, हम चलते हैं यहाँ पर, रन करते हैं ये प्रोजेक्ट और हम देखते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, चूज़ एस फॉर स्नेक, गन फॉर जी एंड डब्ल्यू फॉर वाटर, ठीक है, तो हमें तीन ऑप्शन दिए हैं, हमें एस चूज़ करना है या जी करना है या फिर डब्ल्यू चूज़ करना है। तो हम चूज़ करते हैं पहले एस, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ। फिर हम एस चूज़ करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर विन कर गया और उसका एक पॉइंट यहाँ पर आ गया है और हमारे पास चार अटैम्प्ट है। हमें पास कितने अटैम्प्ट मिलेंगे, हमें पाँच अटैम्प्ट मिलेंगे, ठीक है, तो हम वो भी डिस्प्ले कराएंगे। और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हमारे पास पांच अटैम्प्ट हैं और यहाँ पर चार अटैम्प्ट हमारे पास बचे हैं, जिसमें से एक अटैम्प्ट में कंप्यूटर जीत गया, तो हमें जीतने के लिए कंप्यूटर से ज़्यादा पॉइंट्स होना चाहिए। तो थ्री थ्री एटलीस्ट हमारे पास पॉइंट होना चाहिए कंप्यूटर से जीतना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हमारे पास जी, तो अगेन यहाँ पर हमारा ड्रॉ होगा। फिर से मैं लिखूँ जी, तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर फिर से जीत गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँ डब्ल्यू, तो यहाँ पर फिर से ड्रॉ होगा। फिर अब मैं लिखूँ स्नेक, तो यहाँ पर कंप्यूटर फिर से जीत गया, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा जी अगेन, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फिर अगर मैं लिखूँ जी अगेन, तो यहाँ पर गेम ओवर, आपके दो पॉइंट हैं और कंप्यूटर के तीन पॉइंट हैं, तो इसलिए कंप्यूटर यहाँ पर जीत गया। तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और गाइस, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोग्राम बनाने और यहाँ पर हम देखेंगे ये हम प्रोग्राम को, लॉजिक को कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और बनाते हैं हम ये प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि स्नेक वाटर गन गेम होता क्या है। अगर आपको नहीं पता कि स्नेक वाटर गन क्या होता है, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा सबसे पहले तो आपको कि स्नेक वाटर गन गेम होता क्या है। और गाइस, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ट्यूटोरियल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि ये लॉजिक जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं चलता हूँ वापस से अपने ट्यूटोरियल के अंदर, हम देखते हैं कि ये लॉजिक कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर तीन कंडीशन बताएंगे जहाँ पर हम जीत सकते हैं, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर ने इस, मान लो स्नेक चूज करा, कंप्यूटर चूजेस स्नेक, तो हम कब जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं एंड यू चूज वाटर, सो यू विल विन, यू विल विन। एंड इफ कंप्यूटर चूज इफ कंप्यूटर चूज गन, या फिर वाटर लिख देता हूँ पहले, इफ कंप्यूटर चूज वाटर एंड यू चूज वॉट, यू विल चूज स्नेक, नो यू विल चूज, कंप्यूटर हैव चूज इन वाटर एंड यू विल चूज गन, सो यू विल विन। नो 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 नो, एक्चुअली यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया। अगर कंप्यूटर स्नेक चूज़ करता है और अगर आप गन चूज़ करते हो, तो आप जीतोगे। फिर यहाँ पर कंप्यूटर अगर चूज़ करता है वाटर और आप लिखते हो यहाँ पर स्नेक, तो आप जीत जाओगे, क्योंकि स्नेक जो है तैर जाता है पानी में। फिर यहाँ पर आप लास्टली लिखोगे, अगर कंप्यूटर चूज़ करता है गन, ठीक है, अगर कंप्यूटर चूज़ करता है गन और आप चूज़ करते हो वाटर, देन ऑल्सो, अगर आप वाटर चूज़ नहीं, आप करोगे गन से कौन जीत सकता है, वाटर जीत सकता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर वाटर। सो इन तीन कंडीशंस में आप जीतोगे। तो और कंडीशंस भी हम डिस्कस करेंगे, बट हम देखते हैं यहाँ पर कि हम ये लॉजिक कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले तो हमें रैंडम वैल्यूज़ जो है जनरेट करानी होगी। तो आप स्नेक वाटर गेम तो समझ ही गए होंगे, तो अगर नहीं समझे हो तो आप एक बार थोड़ा सा ब्रेक लेके आप गूगल से सर्च करो कि स्नेक वाटर गेम क्या होता है। और हम चलते हैं यहाँ पर देखने के हम रैंडम वैल्यूज़ कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले मैं एक रैंडम वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर एक रैंडम वॉल्यूम, रैंडम के नाम से एक मॉड्यूल है, फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट रैंड इंट, तो ये हमें रैंडम इंटीजर्स वैल्यू देगा, ठीक है। तो इंटीजर्स वैल्यू यहाँ पर देगा, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे जूम इन कर दिया मैंने, इसको सेव करूँगा। तो सबसे पहले रैंडम वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा रैंड इंट। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर प्रिंट रैंड इंट,
और मैं यहाँ पर लिखूँ 0 से लेके 2 तक मुझे रैंडम वैल्यूज दो। तो देखो आप, जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पर ये चीज़, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। फिर से रन करूँगा तो देखो यहाँ पर 2 आ गया। तो ऐसे रैंडम वैल्यूज हमें मिलती जाएगी 0 से लेके 2 तक ही, देखो आप। ठीक है, तो ये रैंडम वैल्यूज हमें सारी मिल गई। तो इसी रैंडम वैल्यू की हेल्प से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना कंप्यूटर से रैंडम वैल्यूज लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कंप्यूटर वैल्यू इज इक्वल्स टू, या तो वो स्नेक लेगा, ठीक है, या वो वॉटर लेगा, या फिर वो गन लेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक अरे में डाल दिया है, लिस्ट बोल सकते हो आप पाइथन में हो। तो ये क्या है, मैंने एक लिस्ट में 3 वैल्यूज डाल दी। क्या डाल दी, स्नेक डाल दिया, वाटर डाल दिया और गन डाल दिया। अब इसको मुझे लेना है रैंडम, तीनों में से एक रैंडम वैल्यू मुझे प्रिंट करानी, तो वो मैं कैसे कराऊंगा, सबसे उसके बाद मैं बोलूँगा कंप्यूटर रैंड इज इक्वल्स टू रैंड इंट एंड 0 से लेके लैन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर वैल -1। यानी कि मैं बोल रहा हूँगा कि रैंड वैल्यू दे दो मुझे लेंथ ऑफ दिस -1। तो लेंथ ऑफ दिस विल बी 3, -1 विल बी 2, बिकॉज द इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो 0, 1, 2। सो आई मे अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट कंप्यूटर वैल और कंप्यूटर रेंट, तो मुझे यहाँ पर इंटीजर्स वैल्यू जो है हर बार मिलेगी इंडेक्सिंग करने से। जैसे कि यहाँ पर अगर अगर मेरे पास 2 है तो मुझे मिल जाएगा गन, अगर यहाँ पर मुझे रैंडम वैल्यू जो है वो मिल रही है 0, तो मुझे मिल जाएगा प्रिंट में स्नेक। ठीक है, तो ऐसे वर्क करेगा ये, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है लिस्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रिंट रैंड, ओके, सर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पर हमें इंडेक्सिंग में लिखना होगा, ऐसे हम इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे। अब ये चल जाएगा। तो अब मैं रन करूँ इसे, तो आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास वाटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास गन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्नेक आ रहा है, फिर गन स्नेक गन, ऐसा कुछ हमारे पास आ रहेगा। तो रैंडम वैल्यूज आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहेगा हमारे टर्मिनल में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल में डिफाइन कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कंप्यूटर चूज़, कंप्यूटर ने क्या चूज़ करा, ये रैंडम वैल्यू है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ रैंडम मॉड्यूल। हमने बोल दिया कंप्यूटर को ये वैल्यू दे दो और ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं चाहूँ तो ये चीज़ हटा सकता हूँ, और मैं अगर प्रिंट करूँ प्रिंट कंप्यूटर चूज़, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू जो हमें कंप्यूटर दे रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर कंप्यूटर चूज़ क्या कर रहा है, गन, फिर कंप्यूटर चूज़ क्या कर रहा है, वाटर, फिर क्या कर रहा है, स्नेक, गन, ऐसे करके हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ जो है आ गई है। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी। अब नेक्स्ट स्टेप स्टेप क्या है, मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़र से इनपुट मिले। तो यहाँ पर तो मैंने बोल दिया कि कंप्यूटर क्या चूज़ कर रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर चूज़, यानी कि कंप्यूटर टर्न लिख देता हूँ, इनफैक्ट कंप्यूटर टर्न, एंड यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्लेयर टर्न। ठीक है, अब जो प्लेयर यूज प्लेयर की जो टर्न होगी, ठीक है, तो प्लेयर की टर्न क्या होगी वो उस पे डिपेंड करता है। तो मैं वो यूज़र से लूँगा, तो मैं बोलूँगा प्लेयर चूज इज इक्वल्स टू इनपुट चूज जी फॉर गन एंड डब्ल्यू फॉर वाटर एंड एस फॉर स्नेक। और यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक भी दूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र से जो है वो नीचे हमें इनपुट देना उसे। अब इसको थोड़ा सा मैं रैप कर दूंगा, कंट्रोल बी से जो है आप कंट्रोल बी दबा ऑल्ट जेड दबाओगे तो आपका जो है ये रैप हो जाएगा। तो मैं यूज़र से मांग रहा हूँ कि मुझे इनपुट दे दो, गन, अगर जी लिखो तो गन हो, डब्ल्यू लिखो तो वाटर लो, एस लिखो तो स्नेक हो। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो ये फॉलो। अब ये तो हो गए, अब इसमें कंडीशंस लिखनी होगी, इफ एल्स कंडीशन, वेयर आई हैव टू चेक कि इन दोनों में से जीतेगा कौन।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ कंडीशन टू चेक हु विंस, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलता हूँ इफ़ प्लेयर चूज इज़ इक्वल्स टू गन, ठीक है, अगर वो गन चूज कर रहा है, एंड कंप्यूटर चूज इज इक्वल्स टू स्नेक। अब मुझे यहाँ पर तीनों कंडीशंस लिखनी होंगी, यानी कि आप देखो, यहाँ पर इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगर कंप्लेयर ने गन चूज करा है, यानी कि जी के चूज करा है, तो और कंप्यूटर ने स्नेक चूज करा है, तो मैं बोलूँगा कि कौन जीतेगा। मैं बोलूँगा प्रिंट प्लेयर वन प्लेयर, या फिर मैं बोलूँगा यू विन। अगर मैं गन चूज करता हूँ और उसने स्नेक करा है, तो यू लूज होगा, नॉट विन, ठीक है। ऐसे ही साथ साथ मैं इसको तीन बार लिखूँगा, क्योंकि गन अगर स्नेक का जो है तीन बार आएगा, मतलब कंप्यूटर का जो होगा वो तीन बार में से हम एक बार जीतेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर वो स्नेक चूज कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे तीन कंडीशंस लिखनी होगी। इनफैक्ट यहाँ पर लूज़, विन और ड्रॉ का लिखना होगा, क्योंकि स्नेक से साथ स्नेक भी चूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं अगर स्नेक चूज़ करूँ तो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ। और यहाँ पर अगर मैं चूज़ करूँ, ये गन चूज़ करे और मैं यहाँ पर वाटर चूज़ करूँ, तो मैं बोलूँगा कि आप जीत गए, मतलब मैं जीत गया, यूज़र जो है वो जीत गया, यू विन। तो ऐसे हमारे पास लॉजिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ कंप्यूटर चूज़ स्नेक। अब यहाँ पर मैंने ये वाली कंडीशन लिख दी, वॉट इफ़ कंप्यूटर ने चूज़, कंप्यूटर की जो चॉइस है कुछ और है, इसमें से डिफरेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूंगा। अब यहाँ पर स्नेक की जगह मुझे चाहिए गन, तो मैं सारी जगह गन ले लूँगा। तो सारी जगह गन लेने के लिए मैं ऑल्ट दबाऊंगा, और जहाँ पर भी आप कर्सर लेके जाओगे वहाँ मल्टी कर्सर हमारा आ जाता है विजुअल स्टडी कोड में। तो आप ऑल्ट दबा के जहाँ पर भी क्लिक करोगे वो कर्सर हमें दे देगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा गन, ठीक है। अब गन गन है तो ये ड्रॉ हो जाएगा, हमें पता है। यहाँ पर मैं एल इफ़ लिखूँगा, इनफैक्ट एल इफ इसके अंदर भी ऑल्ट लेके आऊँगा, ऐसे लूँगा ऑल्ट दबा के क्लिक करना है, तो एल इफ, ठीक है, एल इफ आ गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एल इफ लूँगा, एलिफ। अब हमें क्या करना है गाइस, देखो यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। अभी ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी, हमने यहाँ पर चेक करा था कि अगर स्नेक चूज करता है कंप्यूटर, तो हम कहाँ पर जीत सकते हैं, कहाँ पर हार सकते हैं और कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर गन चूज करता है तो हम कैसे जीत सकते हैं, हार सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर गन गन है तो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। जी यानी कि गन, स्नेक यानी कि एस, और वाटर यानी कि डब्ल्यू। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर गन है और यहाँ पर क्या है, स्नेक, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि यू, आपने चूज कराया है स्नेक और उसने चूज करा है गन, तो आप हारोगे, यू लूज, और यहाँ पर आप जीत जाओगे, क्योंकि आपने करा है वाटर और उसने क्या करा है गन, तो वाटर जो है गन को हरा देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर है लास्ट कंडीशन, यहाँ पर फिर से मैं ऑल्ट लेके मल्टीपल कर्सर लेके आऊँगा, ऑल्ट मल्टी कर्सर। ये मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी विजुअल स्टूडियो कोड बहुत बढ़िया देता है कि आप मल्टी कर्सर ले सकते हो। अब यहाँ पर हो गया मेरा स्नेक, हो गया मेरा वाटर, वाटर बचे तो वाटर लूँगा, और मुझे यहाँ पर भी लिखना है वाटर, ठीक है। तो ये वाटर ले लिया मैंने। अगर इफ़ एलिफ प्लेयर चूज़ करता है गन और इसने करा है वाटर, अगर मैं गन चूज़ करता हूँ तो मैं हारूंगा, ये सही लिखा है। फिर उसके बाद अगर स्नेक लिखा है और इसने वाटर लिखा है, तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि स्नेक तैर जाता है पानी में। तो मैं लिखूँगा यू विन, और यहाँ पर लिखूँगा यू ड्रॉ।
ठीक है, तो ये ड्रॉ हो गया, यहाँ पर भी ड्रॉ लिख दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ड्रॉ लिख दूंगा। अब ये तो हमारी हो गई कंडीशन, ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं एक बार और देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ चूज जी फॉर गन, डब्ल्यू फॉर वाटर एंड एस फॉर स्नेक, अगर मैं लिखूँ जी, तो यहाँ पर देखो ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है कि कंप्यूटर ने क्या चूज़ करा है, वो सब हम आगे देखेंगे कैसे वर्क करेगा ये, कैसे हम डालेंगे वो लॉजिक। अभी के लिए आपने इतना समझ लिया वो काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि वाइल लूप, वाइल लूप लेंगे। वाइल लूप क्यों लूँगा मैं बताता हूँ आपको। अभी आप देखो तो ये चीज़ एक ही बार चल रही है, मैं चाहता हूँ ये बार बार चले, जब तक के यूज़र जो है हार नहीं जाता या फिर कोई एक जीत नहीं जाता, जब तक ये जो है गेम चलता रही हो। कि हम यूज़र को 5 टर्न्स देंगे, तो 5 टर्न्स चलाने के लिए मैं लूँगा एक लूप, ठीक है, एक लूप लूँगा और इसको मैं टैब ऐसे कर दूँगा और इसके अंदर यहाँ पर इधर पर भी कंप्यूटर टर्न के इधर भी मुझे देना होगा टैब, एक टैब दूंगा टैब। अब यहाँ पर लिखूँगा वाइल लूप, वाइल ट्रू, यानी कि जब ये ट्रू हो तो ये चले, ठीक है। और ये देखो आप, अब मैं रन करूँगा तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा, इनफाइनाइट लूप में आ जाएगा। मैं गन लिखूँ, फिर अगर मैं लिखूँ W तो देखो यू विन आ रहेगा, फिर अगर मैं लिखूँ वाटर, फिर से लिखूँ मैं वाटर तो यू विन अगेन, फिर अगर मैं स्नेक लिखूँ तो यू लूज़, फिर स्नेक लिखूँ तो यू ड्रॉ, तो ऐसे करके ये चल रहेगा। लेकिन ये इनफाइनाइट लूप है, ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ब्रेक क्या होगा, वो ब्रेक ये होगा कि जब कोई एक जो है वो जीत जाए, तो प्लेयर जीत जाए या फिर हम जीत जाएँ या फिर कंप्यूटर जीत जाए, ठीक है। तो वो लगाने के लिए हम देखेंगे वो लॉजिक कैसे अप्लाई होगा। सो आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरा क्या नेक्स्ट टारगेट है मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं लिखूँगा प्लेयर पॉइंट्स। प्लेयर पॉइंट्स कितने हैं, इनिशियली 0 रहेंगे, फिर कंप्यूटर पॉइंट्स इनिशियली 0 रहेंगे, है ना, तो इनिशियली दोनों के 0 रहेंगे। अब अब मैं इनको इंक्रीज़ कराऊंगा इन ए लूप, के इनको इंक्रीज़ कराना है, तो हर बार जब भी वो जीते तो उसको इंक्रीज़ कराओ, किसको, प्लेयर जब भी जीते तो उसको इंक्रीज़ कराओ बाय 1 पॉइंट। तो जहाँ पर भी जीत रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जीत रहा है, तो इसको हटा के मैं बोलूँगा कि मुझे इंक्रीज़ करा दो प्लेयर पॉइंट इज़ इक्वल्स टू 1, इसको इंक्रीज़ करा दो। फिर यहाँ पर भी जीत रहा है तो इसको मैं हटा के यहाँ पर भी लिख सकता हूँ +1, प्लस इज़ इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी प्लेयर पॉइंट्स प्लस इज़ इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जब जब जीते तो उसका पॉइंट जो है एक से इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अगर वो एक से इंक्रीज़ होगा तो हम बता सकते हैं कि किसके पॉइंट्स कितने हैं। सिमिलरली अगर कंप्यूटर जीतता है तो उसके भी पॉइंट्स इंक्रीज़ करना होंगे, तो जहाँ पर भी लूज़ लिखा है उसकी जगह आप लिखो कि कंप्यूटर का पॉइंट इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। तो +1 = 1, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसकी जगह पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं इसको हटा के ऐसे पेस्ट कर दूँगा, तो हमारे पास हो गया कि कंप्यूटर के पॉइंट भी बढ़ रहे हैं और प्लेयर के पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। अब मैं चेक करूंगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसको जिता देंगे, लेकिन वो हम लूप के बाहर करूंगा, क्योंकि ये जो है डिफाइन हुए लूप के बाहर, तो मैं लूप के बाहर अल्टीमेटली बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करेंगे। अब इसके बाद मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं देखूंगा कि कितने अटैम्प्ट्स लिए हैं, अटैम्प्ट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, अटैम्प्ट्स 0 रहेंगे। अब जब भी कोई सी कंडीशन जहाँ पर या तो कंप्यूटर जीते यहाँ पर या फिर हमारा प्लेयर जीते, तो वहाँ पर अटैम्प्ट बढ़ना चाहिए, तो अटैम्प्ट्स प्लस इज इक्वल्स टू 1, कि जो कंप्यूटर है उसने कितनी बार खेला है वो बढ़ना चाहिए। तो वो लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ड्रॉ में नहीं लगेगा ड्रॉ में, क्योंकि अटैम्प्ट हम काउंट नहीं करेंगे, तो ड्रॉ में लगाने के बजाय मैं खाली लूज़ और विन में लगाऊंगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमारा जो है कंप्यूटर जीतेगा या प्लेयर जीते या कंप्यूटर जीते, दोनों जगह हमारा जो अटैम्प्ट है वो बड़े। तो यहाँ पर देखो मैंने हर जगह लगा लिया है, जहाँ पर कंप्यूटर जीते, यहाँ पर प्लेयर जीते, या फिर कोई भी जीते या हारे, तो दोनों जगह मैंने जो है अटैम्प्ट्स लगा दिए। या अटैम्प्ट्स क्या करेंगे कि आपने कितने अटैम्प्ट्स हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रिंट लिखूँगा, प्रिंट
यहाँ पर बोलूँगा वेलकम टू स्नेक वाटर गन गेम, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा प्लेयर नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, और इसको मैं लाइन ब्रेक दूंगा। इनफैक्ट इसको मैं पहले लिखूंगा कंट्रोल सी, और इसको पहले लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं क्या करूंगा यहाँ पर कुछ ऐसा करूंगा, आपको दिखाता हूँ मैं, कि यहाँ पर बोलूंगा वेलकम टू स्नेक वाटर गेम वेलकम, यहाँ पर मैं दे दूंगा एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऐसा कुछ कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर डाल दूंगा मैं प्लेयर नेम, सॉरी पॉइंट नहीं, प्लेयर नेम। इससे क्या होगा कि वेलकम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, वेलकम जो भी मेरा नाम है, एंड वेलकम अरसलान, एंड यहाँ पर जैसे मेरा नाम है वो लिखा हुआ आएगा लेट्स प्ले स्नेक वाटर गेम। तो यहाँ पर मैं डबल वो लगा देता हूँ, तो इससे ये प्रॉब्लम जो है आ रही है लेट्स लिखने की वो चली जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जो है क्या करा है, मैंने यहाँ पर नाम तो लिख दिया है अपना, और यहाँ पर मैंने बोला है कि जब भी शुरू हो तो बोलो कि अपना नाम लिखो, और नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट हो जाएगा ये, और फिर उसके जस्ट नीचे मैं बोलूँगा प्रिंट यू हैव 5 अटेम्प्ट्स टू विन, ठीक है, यू हैव ओनली 5 अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे तुम्हारे पास खाली 5 अटेम्प्ट है, और 5 अटेम्प्ट में तुम्हें जीतना है, एंड हूएवर हैज द हाईएस्ट पॉइंट विल विन, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। अब ये तो बेसिक से सिंपल सा हमारा चल जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा वर्क कर रहा है अभी। तो यहाँ पर देखो एंटर का नेम लिखा हुआ आएगा, मैंने लिख दिया अरसलान, एंड वेलकम अरसलान, लेट्स प्ले स्नैक वाटर एंड गन गेम, यू हैव ओनली फाइव अटेम्प्ट एंड हूएवर हैज़ द हाईएस्ट पॉइंट विल विन। अब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा चूज़ जी फॉर गन, तो यहाँ पर तो हमने देखा था ये कैसे कर रहा है वर्क प्रोग्राम, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, हमने अटेम्प्ट भी बढ़ा लिया, लेकिन हमें देखना है कि अल्टीमेटली जीतेगा कौन, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इफ़ कंप्यूटर पॉइंट इज ग्रेटर देन प्लेयर पॉइंट देन प्रिंट गेम ओवर यू लूज। सिमिलरली एल्स में डाल दूंगा मैं एल्स प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वन, ठीक है, ऐसे करके मैं डाल दूंगा। और यहाँ पर हमारे पास अब देखो आपके ही कैसा वर्क कर रहा है। तो अगर मैं लिखूँ नाम यहाँ पर अरसलान, और यहाँ पर हमें देगा विशिंग, और यहाँ पर मैं लिखूँ गन 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 वाटर स्नेक गन वाटर वाटर वाटर, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स लिखे हुए नहीं आ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो हम कैसे भी करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लिखे हुए नहीं आ रहेंगे। तो ये चीज़ अभी हमें ठीक करनी है कि यहाँ पर हमें पॉइंट्स लिख के लाना है, और पॉइंट्स कैसे डिस्प्ले होंगे यहाँ पर कि आपके कितने पॉइंट्स हैं, और हमें ब्रेक भी कराना है लूप, क्योंकि यहाँ पर लूप जो है अभी ब्रेक नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रेक लगा रहता हूँ। लूप ब्रेक कैसे लगाओगे आप, अगर अटेम्प्ट्स 5 हो जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि आपके पास 5 अटेम्प्ट है, तो अटेम्प्ट 5 हो जाते हैं तो हम ब्रेक कर देंगे। तो बोलूँगा इफ़ अटेम्प्ट्स इज इक्वल्स टू 5 देन ब्रेक, ठीक है, इतना सिंपल है बस। तो अब मैं चलाऊंगा ये, तो आप देखो कि मुझे ब्रेक जो है वो हो जाएगा। अगर मैं लूँगा गन 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 गन
गन देखो अब ये ब्रेक हो गया, गेम ओवर, यू लूज, क्योंकि हो सकता है हमने देखा नहीं पॉइंट्स कितने किसके, वो हम लगाएंगे कि पॉइंट्स इस पे किसके कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखो तो ड्रॉ ड्रॉ, फिर हमें पता नहीं है कि कौन जीता है कौन हारा है, बट एट द एंड यही हुआ होगा कि जो कंप्यूटर होगा उसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे इसलिए वो जीत गया। बट अब हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है कि किसके पॉइंट कितने हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर नीचे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट, एफ स्ट्रिंग लगाऊँगा और इसके अंदर बोलूँगा कंप्यूटर चूज, और जो अभी कंप्यूटर ने चूज़ करा है, तो कंप्यूटर चूज, जो भी कंप्यूटर ने चूज़ करा है, क्या करा है कंप्यूटर ने, चूज़ क्या है, गन चूज़ करा है या फिर जो भी चूज़ करा है कंप्यूटर ने, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। और सिमिलरली यहाँ पर मैं इसको भी ऐसे डालूँगा कि यहाँ पर प्लेयर चूज़ यहाँ पर लिख दूँगा प्लेयर। ठीक है, साथ ही साथ हम नीचे इसके अंदर पॉइंट्स भी लिखेंगे, तो इस इक्वल्स डाल देता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर चूज ये, और यहाँ पर मैं नीचे डालूँगा कि कितने पॉइंट्स हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट किसके पॉइंट्स कितने हैं, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा प्लेयर पॉइंट्स इज इक्वल्स टू जो भी हैं प्लेयर पॉइंट्स। एक काम करता हूँ, ये मैं जो एफ स्ट्रिंग में लिखूँगा मैं, तो एफ स्ट्रिंग प्लेयर पॉइंट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखूँगा मैं प्लेयर पॉइंट्स। ठीक है, नीचे में लिखूँगा कंप्यूटर पॉइंट्स, तो कंप्यूटर पॉइंट्स, इसको पॉइंट्स कर देता हूँ, इसको भी पॉइंट्स कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कंप्यूटर पॉइंट। अब क्या होगा कि अब हमें दिखेगा कि किसके कितने पॉइंट है, दिखाता हूँ मैं आपको। इंटर योर नेम, मैंने लिख दिया अपना नाम यहाँ पर, और यहाँ पर अब बोलेगा कि आप गन करना है या फिर स्नेक करना है, तो देखो यहाँ पर हमारे पर लिखा हुआ रहा कि ड्रॉ हुआ, तो प्लेयर ने चूज़ करा है जी, आपने चूज़ कर कंप्यूटर ने चूज़ करा है, सॉरी कंप्यूटर चूज़ करा है गन, आपने चला यू जी, तो दोनों का जी जी आ गया, तो इसलिए वो 0 है। फिर अगर मैं स्नेक करूँ तो ऐसा कुछ आ रहा है, फिर ड्रॉ हो गया, फिर स्नेक चूज़ करूँ तो कंप्यूटर जीत गया, क्योंकि कंप्यूटर ने क्या चूज़ करा है, कंप्यूटर ने चूज़ करा है गन और आपने चूज़ करा है स्नेक। फिर मैं करता हूँ स्नेक 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 स्नेक, ड्रॉप होता रहा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आप जीत गए क्योंकि आपके पॉइंट्स ज़्यादा थे। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं एक नया वेरिएबल बनाऊँगा जहाँ पर मैं बोलूँगा टोटल अटेम्प्ट्स, टोटल अटेम्प्ट्स यहाँ पर, क्योंकि हमें डिस्प्ले भी कराना होगा ना कि कितने अटेम्प्ट्स बचे, तो मैं एट दी एंड यहाँ पर इधर नीचे बोलूँगा कि जब भी एक अटेम्प्ट हो तो अटेम्प्ट में से, सॉरी टोटल अटेम्प्ट्स 5 होंगे ना, 0 नहीं होंगे, 5 होंगे, तो यहाँ पर मैं टोटल अटेम्प्ट्स को माइनस करूँगा। क्यों करूँगा माइनस, क्योंकि हर बार ही जब भी कोई अटेम्प्ट लेता है या फिर कंप्यूटर जीतता है या फिर यूज़र जीतता है, तो अटेम्प्ट टोटल अटेम्प्ट से एक अटेम्प्ट माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस कराऊंगा, यहाँ पर भी माइनस कराऊंगा, यहाँ पर भी माइनस कराऊंगा, और यहाँ पर भी माइनस कराऊंगा, यहाँ पर भी माइनस कराऊंगा, एंड एक जगह 6 जगह होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, एंड ड्रॉ में नहीं होना चाहिए, ड्रॉ में नहीं है, 1 2 हो गया, फिर 2 3 हो गया, 4 5 6, तो हर जगह आ गया है, ड्रॉ में नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट, एट द एंड लिखूँगा प्रिंट, एफ स्ट्रिंग लगाऊँगा और एफ स्ट्रिंग लगाने के बाद बोलूँगा यू हैव टोटल टोटल अटेम्प्ट्स लेफ्ट लेफ्ट अटेम्प्ट्स लेफ्ट। तो
अभी दिखाऊं मैं आपको, तो इधर देखो आप कैसे चल रहा है। अब यहाँ पर फिर से मैं अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ पर मैं बोलूँगा यू हैव फाइव ओनली फाइव अटैम्प्ट एंड हु एवर हैज़ द हाइएस्ट पॉइंट विल विन, और मैं यहाँ पर लिखूँगा जी। फिर यहाँ पर देखो मैं जी लिखूँगा तो यहाँ पर कंप्यूटर जीत गया, फिर मैं लिखता हूँ जी तो ड्रॉ हो गया, फिर लिखता हूँ जी तो ड्रॉ हो गया, फिर लिखता हूँ जी तो ड्रॉ हो गया, फिर लिखता हूँ जी तो कौन जीता। यू हैव ओनली थ्री अटैम्प्ट लेफ्ट, और यहाँ पर कंप्यूटर चूज वाटर, कंप्यूटर चूज गन, एंड यहाँ पर लिखता हूँ मैं जी अगेन, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी अगेन, फिर यहाँ पर लिखता हूँ जी अगेन, यहाँ पर लिखता हूँ जी अगेन। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो अटैम्प्ट हैं, और आप देखो तो कंप्यूटर 5 पॉइंट से जीता है, आपका जीरो है। तो यार तो बहुत ख़राब बात है कि आप 0 पॉइंट से हार गए कंप्यूटर से। तो देखो आप हर बार में अटैम्प्ट सीखेगा, यहाँ पर भी अटैम्प्ट सीख रहा है, यहाँ पर भी अटैम्प्ट सीख रहा है, तो अटैम्प्ट आपके कितने हो गए हैं ये भी डिस्प्ले करा दिया है हमने। अब गाइस यहाँ पर आप देखो तो प्लेयर की जगह में अगर अपना नाम लिख दूँ तो और अच्छा दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं प्लेयर पॉइंट्स कितने हैं या फिर अरसलान के पॉइंट्स कितने हैं तो ऐसा अच्छा दिखेगा, या फिर आप प्लेयर लिखोगे तो अच्छा दिखेगा। तो मैं वो लिख देता हूँ, क्या करूँगा मैं यहाँ पर अपनी जगह यहाँ पर लिखूँगा कि प्लेयर नेम लिख दो, ठीक है। मैं स्ट्रिंग लगाऊंगा यहाँ पर सब जगह जहाँ पर भी मेरा प्लेयर चूज लिखा हुआ आएगा। तो उससे पहले एक और चीज़ करूँगा, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूँगा। यहाँ पर मैं एक लॉजिक अप्लाई करूँगा जिससे आप देखोगे कि हम जब भी चूज़ करते हैं वो जी लिखा हुआ आ रहा है या फिर डब्ल्यू लिखा हुआ आ रहा है, फिर स्नेक लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं उसके लिए एक लॉजिक लिखूँगा कि अगर जब भी डब्ल्यू करो तो वाटर प्रिंट हो, यानी कि आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर दोबारा रन करूँ इसे और यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँ, तो आप देखो कि जब भी मैं जी कर रहा हूँ या फिर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है कि मैं जी चूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये गन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम जो है जी डब्ल्यू और एस लिखा हुआ आ रहा है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे एक, इफ कंप्यूटर सॉरी प्लेयर इज इक्वल्स टू, प्लेयर चूज इज इक्वल्स टू गन सॉरी जी, तो प्रिंट कर दो प्रिंट प्लेयर चूज गन, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा, अगर गन अगर वो चूज करता है तीन चीज़ें चूज कर सकता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्नेक और यहाँ पर वाटर, यहाँ पर आ जाएगा वाटर। आई नो कि ये थोड़ा लेंदी लॉजिक है, आप इससे और अच्छा लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, बट ऐसा एज फॉर बिगनर अगर किसी को समझ में नहीं आता तो ये लॉजिक भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आप और अच्छे से लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पर कि आप इफ एल्स कंडीशन दे सकते हो ऊपर जाके यहाँ पर, और लोअर अपर कंडीशन जो है लोअर केस अपर केस लगा के आप उसको सेट कर सकते हो। बट अभी मेरा जो फोकस है यहाँ पर, मैं सिंपली इसको कम से कम आपको ज़्यादा सोचने का ज़्यादा वो नहीं दे रहा, आपको सिंपल लॉजिक से मैं यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन से ये पूरा गेम बना के बताऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा लॉजिक में घुसूँगा तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर W है तो चूज गन होगा, यार मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पर गन है, यहाँ पर S है तो स्नेक होगा ना, स्नेक, और यहाँ पर मैं लिखूंगा वाटर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर अब लिखूँ मैं अगर वाटर, तो आप देखो कि यहाँ पर वाटर आ गया। अभी जो प्लेयर लिखा है इसकी जगह मैं सब जगह एफ स्ट्रिंग लूँगा, एफ ऑल्ट 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 एफ लिखूँगा यहाँ पर, और प्लेयर की जगह मैं प्लेयर की जगह क्या लूँगा, मैं लूँगा प्लेयर नेम, तो प्लेयर नेम, ठीक है। अभी ये ठीक दिखेगा हमारा, और जहाँ पर भी ये चीज़ डिस्प्ले हो रही है वो वहाँ पर मैं प्लेयर नेम लगा दूँगा। तो आई थिंक कि यहाँ पर कहीं और हो नहीं रही है, प्लेयर पॉइंट्स की जगह प्लेयर्स पॉइंट, तो अर्सलांस पॉइंट लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं।
प्लेयर नेम्स इसकी जगह ऐसे ऐसे लगा दूंगा, तो ऐसा कुछ डिस्प्ले होगा कि ये मेरा नाम है, अरसलान पॉइंट्स इज इक्वल्स टू जैसे जिसका भी नाम है वैसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर अगेन मैं एफ स्ट्रिंग लगा के यहाँ पर बोलूँगा प्लेयर नेम और यू वॉन, ठीक है। फिर यहाँ पर एफ स्ट्रिंग लगानी होगी। अब यहाँ पर इसको भी मैं कैपिटल ही कर देता हूँ क्योंकि सब कैपिटल में लिखे, कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी है, और यहाँ पर गेम ओवर, इधर पर भी मैं यही चीज़ लगाऊंगा। इधर एफ स्ट्रिंग लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। एंड गेम ओवर, अरसलान यू लूज। आई थिंक कि इतना लॉजिक काफ़ी है, हम देखते हैं अब कैसे वर्क करेंगे चीज़ें। तो मैं इसको रन करूँ अब, तो हम खेलते हैं गेम, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपना नाम अरसलान, कैपिटल ए से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेलकम अरसलान, लेट्स प्ले स्नेक वाटर गन गेम, चूज, यू हैव ओनली 5 अटेम्प्ट्स एंड हू एवर हैज़ द हाइएस्ट पॉइंट विल विन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जी, लेता हूँ जी, तो ड्रॉ हो गया, फिर से मैं लेता हूँ जी, तो कंप्यूटर जीत गया क्योंकि उसका पॉइंट इंक्रीज हो गया। कंप्यूटर चूज, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर चूज स्नेक अरसलान चूज गन, अरसलान पॉइंट इक्वल टू 0, कंप्यूटर पॉइंट इक्वल टू 1, यू हैव 5 4 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। तो आप देखो कि पहले से बेटर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एक बार कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको एक बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम हम एक और फिक्स करनी है हमें, ठीक है। तो एक बार हम खेल लेते हैं, और यहाँ पर मैं गन लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ तो मैं जीत गया क्योंकि मेरे 4 अटैम्प्ट है यप्पी, बट अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने अरसलान दिया, ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने दिया है ये स्ट्रिंग है, अगर मैं यहाँ पर नाम की जगह अगर इंटीजर वैल्यू दे दूँ तो वो क्या हैंडल कर पाएगा, तो वो चीज़ हमें लिखनी होगी यहाँ पर। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर देखो, ये तो इंटीजर वैल्यू हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन इधर पर भी देखो तो एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आप देखो तो जी की जगह अगर हम एच डाल दें तो वो तो लेगा नहीं ना, जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको, अगर मैं जी की जगह मान लो एच लिख दूँ तो यहाँ पर देखो कि कंप्यूटर चूज स्नेक और हमने यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर एक एरर जैसे डिस्प्ले होना चाहिए कि अगर कंप्यूटर जो हम मतलब हम यूज़र है, अगर वो जी डब्ल्यू और एस की जगह कुछ और चूज़ करे तो वहाँ पर एक प्रिंट होनी चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए एक चीज़ जिसकी वजह जो डिस्प्ले कराए कि प्लीज़ शो, प्लीज़ चूज़ अ वैलिड इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इफ़ प्लेयर चूज़ इज़ नॉट इक्वल टू जी, और प्लेयर चूज इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, और इसको मैं स्ट्रिंग में लूंगा, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा इफ प्लेयर चूज इज नॉट इक्वल टू व्हाट, इज नॉट इक्वल टू एस, तो मुझे प्रिंट करके दो, मुझे क्या प्रिंट करके दो, मैं इसको सबको एक ब्रैकेट में लूँगा, पैरेंथीसिस लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि प्रिंट प्लीज़, यहाँ पर लिखूँगा एफ स्ट्रिंग, लिखूँगा प्लीज़, और प्लीज़ यूज़र का नाम जो है प्लेयर नेम, प्लेयर नेम चूज़ अ वैलिड इनपुट, ठीक है। तो ये एरर फिक्स हो जाएगी, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर ये तीनों वैल्यूज़ नहीं है, अगर इन तीनों में से नहीं है तो कुछ दिखाता हूँ मैं आपको कि ये कैसे वर्क करेगा। अगर मैं अरसलान लिखता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा कि यू हैव ओनली 5 अटेम्प्ट्स, हूअर हैज़ द हाईएस्ट पॉइंट विल विन गेम, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो ऐसा कुछ लिख देता हूँ, तो आप देखो कि प्लीज़ अरसलान चूज़ अ वैलिड इनपुट, ठीक है। और
ये जो है आपका आप सही से वर्क करेगा, यानी कि आपको जो है चूज़ करना पड़ेगा गन W और स्नेक के बीच में, तो ये प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई हमारी। तो अब रही बात हमारी ये वाली जो मैं बोल रहा था कि प्लेयर नेम अगर वो डाल दे इंटीजर वैल्यू, मान लो कि 1, 2 या 3 डाल दे, तो गाइस वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू डाले भी इनपुट एज एन इंटीजर वैल्यू तो ये ले जाएगा एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो हम उसको जो है अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, मान लो 1, 2, 3 लिखूँ, तो वो इंटीजर वैल्यू नहीं लेगा, वो लेगा स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि ये जो है 1, 2, 3 स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग लेगा। देखो आप, वेलकम 1, 2, 3, लेट्स प्ले स्नेक वाटर गन, तो ये चीज़ हमारी वैसे ही सॉल्व हो गई है। तो गाइस ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कुछ एरर हो सकती है पॉसिबल, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे सॉल्व करा जाएगा, और बताओ कि पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि कम से कम जो है इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो सकती थी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या क्या हम चीज़ें नई नई डाल सकते हैं इसके अंदर। गाइस आज के लिए इतना ही, और हम ऐसी प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रोजेक्ट को जो है पसंद आया तो कमेंट करो और लाइक करो वीडियो को, और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाओ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सोर्स कोड जो मैं ज़रूर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।